गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आए हैं, जो आपका दो चीज़ को क्लियर करेगा। एक या कि एग्ज़ाम में सर किस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ तो घर में बन रहा है सर एग्ज़ाम में का पैटर्न हमको थोड़ा बता दीजिए, और किस तरह का क्वेश्चन आएगा मन में थोड़ा संशय रहता है सभी विद्यार्थियों को। तो आज का हम एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन लाए हैं, आपका जैक बोर्ड 2020 और 19 दो साल का हम आज क्वेश्चन करेंगे, जो 8-8 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आपका बोर्ड एग्जाम में फाइनल 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है जैक बोर्ड द्वारा, उसका आप लोग पैटर्न भी देख लेंगे और सोल्यूशन किस प्रकार देना है इस चीज़ को भी आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन इसी साल का 2020 का एनुअल एग्जामिनेशन जो फरवरी में हुई थी 12th का, उसका मैंने लिया है। उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गुजरात लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। गुजरात लिमिटेड का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है और हमको बनाने बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्पष्ट है। अभी तक हम लोग इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे 2018-19 दो साल का डाटा दिया हुआ है। लायबिलिटी साइज को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर एसेट साइज का पढ़ेंगे। लायबिलिटी साइज में क्रेडिटर्स 20,000 से 44,000 है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर कैपिटल है। एसेट साइड में आपका कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी बिल्डिंग है। फिर हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वाज 6,000 एंड ऑन बिल्डिंग वाज 4,000। ये आपका क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसी बार करंट ईयर 2020 का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है। तो सेम पैटर्न पर हम लोग ढेर सारा सम कर चुके हैं, तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। आइए सोल्यूशन कैसे होगा। पहले तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ किसका नाम है, गुजरात लिमिटेड, तो हम लोग गुजरात लिमिटेड भी डाल देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग यहां पर 2019 होगा, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। फॉर्मेट हम लोग जैसे पैटर्न पर हम लोग अभी तक बनाते आए हैं उसी पैटर्न पर बनाएंगे। दो कॉलम होता था अमाउंट के लिए हम लोग का, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, उसको हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। और जिस पैटर्न से हम लोग बना रहे हैं तीनों एक्टिविटीज का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट एक साथ खोलेंगे और उसके बाद एक एक करके आइटम को पोस्टिंग करते जाएंगे। इससे क्या होगा, कोई आइटम छूटेगा भी नहीं और गलती होने का चांस कम हो जाएगा और एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगा। पहला एक्टिविटी है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनल थर्ड एक्टिविटी जो आपका है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं हम लोग, नीचे का क्लोजिंग कैश भी लिख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर कितना है आपका कैश, हमारा कैश है 3,000। और इसमें क्या जोड़ेंगे हम,
इसमें ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपका दिया हुआ है 5000, इसका मतलब है आपका तीनों हेड का निचोड़ -2000 आना चाहिए, तब 5000 उसमें ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं उसको नेट, क्योंकि माइनस में आएगा तो डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन कैश, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो आपका -2000 आएगा, या माइनस में हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, तब क्या होगा आपका क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस या बिगिनिंग का जो कैश होगा उसको ऐड करेंगे क्लोजिंग आ जाएगा। इतना डाटा तो हमको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं तीनों हेड का जो एग्जैक्ट लिख लेगा निचोड़ उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग 5000 है, क्लोजिंग 3000 है, मतलब जो एग्जैक्ट आएगा तीनों का निचोड़ जो आएगा वो -2000 आएगा। इतना हमको डाटा ऑलरेडी मालूम है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। अब क्या करेंगे हम लोग का जो प्रोसेस था सॉल्व करने का कैश फ्लो, एक एक आइटम को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे और उसका जिस एक्टिविटीज से वो कंसर्न रखेगा उस एक्टिविटीज में उसको पोस्टिंग करते जाएंगे। आइए एक एक करके देखते हैं लायबिलिटी सेट से। क्रेडिटर्स है आपका पहला आइटम 40,000 से 44,000 हुआ है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज बढ़ा है, इसका मतलब मेरे पास पैसा आया है, इसको ऐड करेंगे तो इसका जगह क्या है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स एड होगा आपका कितना 4000, जो एड होने का आइटम है उसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं लेस वाला लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, कोई भी फाइनेंस क्रेडिट हो या कैश क्रेडिट हो तो उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, ये चीज पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो लोन फ्रॉम फाइनेंस बैंक है, स्टेट बैंक से है, और वो क्या हो गया 40 से 30 हुआ, मतलब 30,000 का हम लोग लौटाएंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा रिपेमेंट, रिपेमेंट ऑफ लोन लिख सकते हैं हम लोग, कहां से था फ्रॉम स्टेट बैंक, स्पष्ट है 10,000 का पेमेंट हुआ है, मतलब 10,000 व्यापार से बिजनेस से पैसा गोज आउट हुआ है, इसीलिए इसको माइनस में लिखेंगे आउटफ्लो है। पीएल है प्रॉफिट एंड लॉस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ही प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग का पहला हेडिंग क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पर तो कोई एडजस्टमेंट का चार्ज दिया ही नहीं है तो हम लोग इसी को ले लेंगे 3000 है आपका, 5 से 8000 हुआ इसका मतलब 3000 आपका प्रॉफिट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल 80,000 से 1,03,000 हुआ है, मतलब इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स कितना है 23,000 इससे फंड आया है, तो इशू से पैसा आ रहा है तो इसके लिए इसको प्लस में लिखेंगे, इनफ्लो है कैश का। नेक्स्ट है कैश, तो कैश का हम लोग तो यहाँ दिखा दिए ओपनिंग जो कैश था बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ईयर दोनों को हम लोग दिखा चुके हैं। डेटर्स है करंट एसेट्स है, डेटर क्या हुआ 25 से 20 हुआ, इसका मतलब पैसा रिलाइज हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है, डिक्रीज इन डेटर्स, यह स्पष्ट है कितना 5000 पैसा डेटर से आया। फिर स्टॉक राइज हुआ है, मतलब इसमें पैसा बाहर गया है, कोई माल को खरीदे हैं स्टॉक है तो क्या हुआ पैसा आउटफ्लो हुआ है, करंट एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग माइनस करते हैं इंक्रीज इन स्टॉक,
कितना है? 12,000। 12,000 इसका मतलब आउटफ्लो हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मशीनरी है और बिल्डिंग्स है, दोनों का एडजस्टमेंट भी है, तो दोनों का खाता हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर स्पेस का अभाव है तो मशीनरी अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट हम लोग यहीं पर बनाएंगे। ये आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस डीडी। ओपनिंग बैलेंस आपका है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस है आपका बाय बैलेंस सीडी कितना है, 60,000 है। और सॉरी, ये आपका हम लोग किसका खाता बन गया, ये 4560। ये मशीनरी का नहीं, हम लोग बिल्डिंग का बना लिए, तो हेडिंग चेंज कर लेते हैं, ये बिल्डिंग का बन गया, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट बन गया, 45 ओपनिंग है, क्लोजिंग 60 है। इसके बारे में डिप्रिसिएशन दिया है 4,000 है, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो इधर 64 हो रहा है, इधर भी 64 होगा आपका 64। फाइनली जो ये निकलेगा मतलब बिल्डिंग परचेज किए हैं, बैलेंसिंग फिगर होगी आपका कितना से, 19,000 से बिल्डिंग परचेज। सारा ट्रीटमेंट डिप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट जो होता है नॉन कैश आइटम का, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका कितना निकला, 4,000। ये ऐड होगा, इसे कैश बाहर नहीं गया मगर मेरा प्रॉफिट घट गया, तो इसको एडबैक कर लेंगे। अब क्या है, 19,000 का बिल्डिंग भी खरीदे हैं, बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिव में जाएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग 19,000। इससे पैसा क्या हुआ, बाहर गया। अब एक अकाउंट और हम लोग को बनाना है, मशीनरी अकाउंट, तो उसको हम लोग इस साइड बना ले रहे हैं, जगह का कमी है तो मशीनरी अकाउंट को यहां बना ले रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। आपका वर्किंग नोट है कैश फ्लो का, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का 60,000 और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस भी 60,000 है। बीच में डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीनरी पर 6,000। 6,000 डिप्रिसिएशन था, बिल्डिंग का 4,000 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मशीन पर 6,000। इसका मतलब बैलेंसिंग करते हैं तो 66 हो रहा है, तो इधर भी आपका 66 ही होगा। इसका मतलब 6,000 का मशीन भी खरीदे हैं टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर होगी आपका 6,000। अब इसको एडजस्ट करते हैं, डिप्रिसिएशन तो यहाँ जाएगा आपका, संग संग पोस्टिंग करते जाना है, मशीन खोले, मशीन का क्या इफेक्ट हुआ खाता का, जो एक्टिविटी से उसको वहां संग संग करते जाना, नहीं तो छूट जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट कितना है, 6,000 एड होगा, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ इससे मगर पीएल घट गया, फिर से इसको एड बैक कर लिए। परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी कितना, 6,000। ब्रैकेट में लिखाएगा क्योंकि परचेज किया तो पैसा आउटफ्लो हुआ, मशीनरी का भी हो गया, सारा एडजस्टमेंट हो गया, कोई नहीं बचा, टैक्स कट भी आपका कहीं नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे हर खाता को और इसके इंपैक्ट को देखेंगे क्या हो रहा है फाइनली। तो यहां पर जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है, सब प्लस में है आपका 10,13,000। अब ये जो निकलेगा बिफोर टैक्स पेड निकलेगा और 13 + 4 = 17, 5 = 22, 22 में 12 गया आपका तो 10,000 प्लस में आ रहा है। ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड, लेस हम लोग करते थे टैक्स पेड,
टैक्स पेड इस क्वेश्चन में नहीं है तो नील हो जाएगा, सारा निचोड़ हम लोग बाहर निकाल देंगे। जो 10,000 आएगा इसका वो प्लस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका 10,000। अब इसी तरह इन्वेस्टिंग का भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ये दोनों माइनस में है तो 25 हो रहा है आपका, ये भी माइनस में है मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। कैश यूज हो रहा है तो कैश यूज्ड, माइनस में तो कैश यूज्ड इन लिखते हैं, किस कौन एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये स्पष्ट है। अब इसका हम लोग निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ये प्लस में माइनस में 10 है, प्लस में 23 है तो ये आएगा प्लस में ही 13, प्लस में आ रहा है तो इसलिए कैश फ्लो लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों का निचोड़ जो है देख लेते हैं, 10 और 13 23 हो गया माइनस में 25 से 2000, जो ऑलरेडी हम लोग जानते थे 2000 आएगा ही, अगर ये 2000 नहीं आता माइनस में तो इसका मतलब वी डिड सम मिस्टेक्स, हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं। अतः हमारा आंसर मिल गया, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर जगह का अभाव था, अदरवाइज दोनों को हम लोग नीचे बनाते हैं वर्किंग नोट में, बिल्डिंग अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, अभाव रहने के कारण हम लोग इसको ऊपर बनाए। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ये 2020 का क्वेश्चन था। आइए हम लोग 2019 का भी क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ओमिट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए होंगे तो रिवाइंड करके नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे जो 2019 जैक बोर्ड का पूछा हुआ है। अब आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ा होगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये आपका फाइनल बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 1 मार्च का आया था। सिंपली जो हम लोग का पैटर्न है, तीनों एक्टिविटीज को हम लोग खोलेंगे, अगर किसी का खाता एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड अकाउंट भी ओपन करेंगे, और अकाउंट जिस वक्त ओपन करेंगे उसी समय सारा उसका पोस्टिंग को हम लोग एक्टिविटीज में पोस्ट करते जाएंगे। डिप्रिसिएशन है तो वहाँ ले जाएंगे, परचेज सेल है तो सारा को लॉस भी होगा तो वहाँ ले जाएंगे। आइए अब हम लोग 2019 के जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। 2019 में आपका डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आ गया था, यूं तो सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट मेथड नहीं है आपका सिलेबस में, बट जैक बोर्ड में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अतः इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड को भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एमएस लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। बस ओनली हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाने नहीं बोला गया है, यहाँ पर हम लोग को एक एक्टिविटी बनाने बोला गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर ये 25 था आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। क्वेश्चन को हम लोग संग संग पढ़ लेते हैं, पार्टिकुलर्स में कैश सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, कैश परचेज है, कैश पेड टू क्रेडिटर है, सैलरी पेड है, कमीशन रिसीव है, रेंट पेड है, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड है, रॉयल्टी रिसीव है, इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स रिफंड भी है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक से, इतना सारा इंफॉर्मेशन है। आइए हम लोग इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हम लोग का हेडिंग होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो पूछा गया है उसी को हम लोग को बनाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसका है, ऑफ, नाम लिख देना यहां पर हम लोग, एमएस लिमिटेड, एमएस लिमिटेड। सेम पैटर्न रहेगा हम लोग का, अमाउंट का 2 कॉलम रहेगा, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। यहां पर कैश फ्लो बाय हम लोग का यहां डायरेक्ट मेथड है तो लिख भी सकते हैं डायरेक्ट मेथड, जिस मेथड से बोला गया उसी मेथड से हम लोग को बनाना है डायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां पर हम लोग का क्या रहता है, कैश रिसीप्ट फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, कैश
ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, और एक रहता है ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट डायरेक्ट मेथड है, उसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। आइए संग संग डाले जाते हैं, कैश सेल्स है तो मतलब पैसा आया है, नगद बिक्री हुआ है तो कैश सेल्स यहां डालेंगे। कैश सेल्स आपका कितना है? कैश सेल्स दिया हुआ है 240,000, अभी इनर कॉलम में लिख रहे हैं 240,000। नेक्स्ट है कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, कस्टमर से पैसा मिला है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आपका मिला है 1,80,000, इसको भी प्लस रिसीप्ट पोर्शन में लिखेंगे। यहाँ पर है कैश परचेज, कैश परचेज में पैसा बाहर गया होगा, गोज आउट हुआ है, पेमेंट परचेज कॉलम में जाएगा। कैश परचेज कितना है आपका? 1,00,000, ब्रैकेट में लिखना है, जो भी डायरेक्ट होने वाला आइटम है उसको हम लोग को ब्रैकेट के कॉलम में लिखना है। आइए ब्रैकेट में कवर करना मतलब माइनस करना, कैश परचेज हो गया। नेक्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर, सप्लायर को पेमेंट हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,20,000, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है सैलरीज पेड, एम्प्लॉयज को सैलरी मिला है, सैलरीज पेड आपका है 48,000। पेमेंट साइड में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लिखने का जरूरत भी नहीं है, मगर हम लोग लिख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया कमीशन के थ्रू, कमीशन रिसीव्ड, जो रिसीट है उसको रिसीट में लिखेंगे हम लोग, कमीशन रिसीव्ड है आपका 40,000। नेक्स्ट है रेंट पेड, किराया दिया है, रेंट पेड आपका, रेंट पेड है 20,000। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका 16,000 है। नेक्स्ट है रॉयल्टीज रिसीव, रॉयल्टी मिला है, पैसा आया है, रॉयल्टीज रिसीव कितना है? 1,00,000। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड, अच्छा ये दोनों को एडजस्ट करेंगे तो वो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स को एडजस्ट करेंगे तो हम लोग उसको साथ में ही लिख लेते हैं, इनकम टैक्स पेड भी है, इनकम टैक्स रिफंड भी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट क्या है? टैक्स पेड एक है, टैक्स पेड आपका कितना है? टैक्स पेड है 52,000। नेक्स्ट है टैक्स रिफंड भी है, एक्सेस टैक्स पेड हो गया होगा, चाहे पिछला साल का टैक्स रिफंड आया, जो एक्सेस टैक्स रिफंड है तो मेरे लिए पैसा इससे मिलेगा, कितना है? 8,000, तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं कवर किए मतलब प्लस में है। ये जो यहां से जो आइटम आएगा वो तो यहां लिख लेगा ही, अब ये दोनों का निचोड़ यहां आ जाएगा आपका 52,844, वो माइनस में रहेगा। अब यहां से जो निकलेगा वो होगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है, जो रिसीव है, प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थ क्यूब क्लेम, अर्थ क्यूब क्लेम। अब जो फाइनल निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्पष्ट है? तो अर्थ की आपका क्लेम से जो पैसा मिला है वो 1,00,000 है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, पैसा आया है। कभी कभी क्या होता है, भूकंप आया, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर रखे थे, इस वित्त वर्ष में हो सकता है क्लेम 1,00,000 रुपया मिल गया,
तो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये नहीं देखना है कब का मिल रहा है, जब मिल रहा है अगर सॉरी अर्थ क्यूब का प्रोसेस का हियरिंग हुआ होगा, क्लेम हुआ होगा तो पैसा मिल रहा है, तो पैसा अर्थ क्यूब के क्लेम से आ रहा है तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, या फ्लड्स बर्फ क्या कहेंगे बाढ़ आ जाए, चाहे अर्थ क्यूब आ जाए, चाहे भूकंप हो गया, आपदा से संबंधित जो हो और उसके बाद पैसा मिले तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तहत हम लोग रिसिप्ट में डालते हैं। ठीक है, अब सारा हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अब खाली क्या है कंसर्न अमाउंट का फिगर को बाहर निकालना है। इसका आपका कैश रिसिप्ट आपका आ रहा है 3040484 8 4 12 4 16 6 5 4 1 5 5,60,000 आ रहा है। ये आपका रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड देख लेते हैं कितना आ रहा है 30 टोटल 8 6 14 4 1 3 4 7 7 8 10 3। एक बार जोड़ को रिपीट कर लेते हैं 0 2 20 2 68 2 68 2 88 16 3 4। ठीक है, ये माइनस में है, पेमेंट है। अब इसके बाद जो निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट वो आपका निकल रहा है, माइनस हो जाएगा इसमें से 2,56,000। इसमें से टैक्स पेड और रिफंड का एडजस्ट करके 44,000 जो घटेगा तो वो आपका बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल रहा है 212। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जोड़ देंगे तो 312 आ गया आपका। यही हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, प्लस में आया माइनस में आता है तो कैश यूज लिखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया डायरेक्ट मेथड से। ये 2019 के ईयर में जैक बोर्ड में पूछा गया सम्स है, तो इसको आप लोग देखेंगे, इससे निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। थैंक यू।